नमस्कार, मैं अमानत, आपसे स्वागत है अमानत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का छठ पूजा का पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरह का पोस्टर डिज़ाइन किया है। अगर आप भी इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इसका जीप फाइल डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपको इसका पेल फाइल मिल जाएगा, जिससे आप डाउनलोड करके बहुत ही आसानी से, मतलब पिक्सल में ऐड करके बहुत ही आसानी से इस तरह का पोस्टर आप बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस जीप फाइल में पासवर्ड भी लगाया है, तो पासवर्ड मैं आपको इसी वीडियो में कहीं भी एक जगह मैं बोल दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो आपको करना क्या, इस जीप फाइल को आपको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं वीडियो भी बनाया हूँ उस पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देता है आपको किस तरह से डाउनलोड करके किस तरह से पिक्सल लैम ऐड करेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें तो आप इस तरह का पोस्टर बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने एक लिंक दे दिया हूँ जी फाइल का, उस लिंक पर आपको क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेते। देखिए मैं व्हाट्सअप में वो लिंक कॉपी करके रखा है, यहाँ पर आपको ये वाला गूगल ड्राइव का एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हो रहा है पीएलपी फाइल डाउनलोड लिंक, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो कोई भी एक ईमेल आईडी में ओपन करने को बोलेगा, तो कोई भी एक आपको जीमेल आईडी सेलेक्ट करना है जिसमें आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैंने इस वाला जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डाउनलोडिंग चालू हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों इसको अनजिप करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से बैक आ जाना है। आप चाहे तो RRF में अनजिप कर सकते हैं, चाहे तो इसको अपने फाइल से भी अनजिप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना, एक बार और इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपने इसको जिस जीमेल आईडी में आपने इसको डाउनलोड किया है उस जीमेल आईडी को आपको सिलेक्ट कर लेना। तो हम यहाँ पे उसको गूगल ड्राइव में चले जाएंगे, यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव में आ जाएंगे और जिस जीमेल आईडी में मैंने इसको डाउनलोड किया उस जीमेल आईडी को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम उस डाउनलोड जिस जीमेल आईडी को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ पे इस तरह आपको यहाँ पे शो करेगा छठ पूजा पोस्टर पीएलपी। तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको नीचे यहाँ पे आना है, तो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको फिर से इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके फ़ोन का फाइल, मतलब फाइल मैनेजर आता है उसमें आ जाना है। तो हम फाइल मैनेजर में आ गए, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फ़ोन स्टोरेज में चले जाना है और यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगे। डाउनलोड फोल्डर में आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का आपको जी फाइल दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते इस तरह का जी फाइल दिखेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर टच करेंगे, जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रॉट ऑल का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे एक्सट्रॉट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पे इसको एक्सट्रॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड जो वीडियो में रहेगा पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे रहेगा, वो पासवर्ड आपको जो वीडियो में बताऊंगा वो पासवर्ड आपको यहाँ से डाल के अनजिप कर लेना है। तो मैं यहाँ से डाल के एक बार अनजिप करके आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको भी पासवर्ड डाल के अनजिप कर लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं फाइल अनजिप हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आपको करना क्या, आपको यहाँ से बैक आ जाना है और आपके फ़ोन में RRF एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाता है, आपको वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है RRF को। डाउनलोड करने में दोस्तों आपको यहाँ पे उस जब उस ऐप को ओपन कर लें तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे RRF को ओपन करने में आपको डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है, और डाउनलोड फोल्डर में आएंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक छठ यहाँ पर उसी तरह का आपको यहाँ पर एक जी फाइल दिख जाएगा नीचे। अब जब यहाँ पर आएंगे डाउनलोड फोल्डर में तो इस तरह का जी फाइल दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इसके ऊपर टिक लगा देना है, यहाँ पे टिक लगा देना है और प्लस के बगल में जो तीर का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ नीचे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, इस तरह से पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो यह फाइल अनजिप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको पिक्सल लैम ऐड करने के लिए दोस्तों आपको पिक्सल लैम एप्लीकेशन ओपन कर लेना था। हम यहाँ पे पिक्सल लैम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं।
पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन करने में दोस्तों हम यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और ओपन डॉट पीएलपी पे क्लिक करके यहाँ पे डॉट पीएलपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको फोल्डर दिख जाएगा, तो आपको तीर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है और जिस जी फाइल आपने अनजिप किया उसी फाइल का नाम से आपको यहाँ पे फोल्डर दिख जाएगा छठ पूजा पोस्टर पीएलपी थी, इसके ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ पे टच करेंगे और ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओपन एंड ऐड पे क्लिक करेंगे इसका जो पासवर्ड रहेगा 4038 ये पासवर्ड आपको डालेंगे तो अनजिप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से बैक कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो पोस्टर ऐड हो चुका है। अब आपको इसमें क्या करना है अपना फोटो चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से फोटो जो मैंने लगाया है उसको यहाँ से रिमूव कर देना है, फिर आपको यहाँ पे टच कर देना है, फिर प्लस पे क्लिक करके आपको फ्रॉम गैलरी में जाना है और गैलरी में जाने के बाद दोस्तों जो फोटो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं उस फोटो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस फोटो को मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम कोई एक दूसरा फ़ोटो में यहाँ पे ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद टिक पे क्लिक कर देते हैं और इस फोटो को आपको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके और टू बैक पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टू बैक का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह से और उसके बाद दोस्तों आपको नाम चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे लॉक लगा रहा है तो आपको लॉक को हटा देना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके आपको नाम यहाँ से चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका नाम यहाँ पे चेंज हो जाए। फिर आपको नीचे यहाँ पे ये भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके और यहाँ से ओके कर सकते हैं। सब चेंज करने के बाद दोस्तों इसको सेव करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे आपको एक यहाँ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे और अल्ट्रा में क्लिक करके इसको सेव अप टू गैलरी में क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। जैसे सेव टू गैलरी में क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पोस्टर बना के और इस तरह से सेव करके आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।